हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जो कि इमरान परदेसी के नाम से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरा फेसबुक का पेज है उसको लाइक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपको जितनी भी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। मैं अक्सर वीडियोस फेसबुक पे भी अपलोड करता रहता हूँ जिनसे यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आज हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन की जो 3 सीक्रेट सेटिंग है उनके बारे में जानेंगे जिन्हें हम शायद आज तक नहीं जानते थे। फ्रेंड्स, ये सेटिंग्स हमारे मोबाइल में ही है, हमें इसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई हमारा मोबाइल रूट होना लाजमी नहीं है। तो जस्ट आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और मुझे अपने कॉमेंट्स में मस्त बताइएगा कि आपको इस सेटिंग से कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए जानते हैं ये 3 सीक्रेट्स क्या हैं और हम इसे कैसे कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन से। तो दोस्तों, कई दफा आप अपना मोबाइल किसी को कुछ देर के लिए दे देते हैं, मतलब वो आपके मोबाइल पे कोई यूट्यूब की वीडियोस देख रहा होता है या आपका मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में होता है और आपका ध्यान हमेशा उसकी तरफ होता है कि कहीं ये मोबाइल का जो यूट्यूब है बंद करके आपके मोबाइल की गैलरी को ओपन ना कर ले, कहीं आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, वाइबर उसको ओपन ना कर ले या कोई आपका पर्सनल डेटा ना देख ले। तो उसके लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन भी नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस ट्रिक की मदद से, आपके जो मोबाइल की सेटिंग की मदद से, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर होगा। मतलब जो विंडोज आपके मोबाइल में कोई देख रहा होगा बस वही देखेगा। अगर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा या वहाँ से बाहर आएगा तो उसके लिए एक कोड चाहिए होगा, लेकिन अगर वो वही देखना चाहेगा तो वो देख सकता है जितना वो मर्जी। तो चलिए जानते हैं ये सब कैसे होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें जाना पड़ेगा। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, उसको ओपन करना पड़ेगा। उसको ओपन करने के बाद आप स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आ जाए और यहाँ पे लिखा होगा अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और ये आप देख सकते हैं, आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जहाँ पे लिखा होगा पिन विंडोज, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पिन विंडोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है। और उसके बाद आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है कि वहाँ पे पैटर्न लॉक भी लगे या नहीं। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप वो भी साथ में उस पर भी क्लिक कर दें। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसको ऑन ही रहने दें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा। आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे वापस आ जाएं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग जो बटन है, जो रीसेंट की है, उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि तो जो जो आपने मोबाइल में ओपन होगा क्या होगा, जो रिसेंट आपने विंडोज ओपन की होगी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जिसको भी मोबाइल दूँ वो जस्ट यूट्यूब ही यूज करे, कुछ और ना यूज करे अपने हमारे मोबाइल में। तो यहाँ पे आप एक पिन का जो आइकन सा लोगो सा नजर आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, अब ये जस्ट वहाँ यहाँ पे वो YouTube ही देखेगा आपके मोबाइल में। आप बैक का बटन दबा लें, आप यहाँ पे कोई भी बटन दबा लें, आप देख सकते हैं। तो वो जब तक आप इसको अनपिन नहीं करेंगे तो ये यहाँ से गायब नहीं होगा, होम की स्क्रीन पे नहीं जाएगा या कोई और भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप अपना मोबाइल किसी को दे देते हैं तो आपका ध्यान हमेशा मोबाइल की तरफ होता है। खासकर जब मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में होता है तो आपका जहन होता है कि आपका डेटा कहीं शेयर ना कर दे, कहीं आपका व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी आपका जो मैसेंजर है उसको ना ओपन कर ले। तो जब आप ये सेटिंग कर लेंगे तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसको अनपिन करने के लिए हमने जो रीसेंट की का बटन है उसको प्रेस करके रखना है। आप 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करें तो ये अनपिन हो जाएगा यहाँ से। जैसे ये अनपिन हो जाएगा तो देखें हमारी स्क्रीन जो है वो लॉक है। तो दोस्तों, इसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे जो अपना पैटर्न लॉक है वो यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन दोबारा यहाँ पे शो हो चुकी है। तो ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपका मोबाइल कोई बच्चा यूज़ करता है तो आप इसको मस्ट इसका यूज़ किया करें, क्योंकि आपका मोबाइल बिल्कुल सेव हो जाएगा।
दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपने अपने मोबाइल में आज तक कौन कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी? क्या आपने अपना मोबाइल फ़ोन चेंज कर लिया है? और आप जानना चाहते हैं कि आपके पुराने फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन थी और आपने बैकअप भी नहीं बनाया हुआ? तो दोस्तों, इस सेटिंग से हम सीखेंगे कि हमने आज तक अपने मोबाइल फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई हैं वो हम कैसे सर्च कर सकते हैं, वो हमें कहाँ पर मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ईजी है। आप अपना जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे ऊपर आपको एक ऑप्शन बार नजर आ रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करें। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, माई एप्स एंड गेम्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो चुकी है वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। आपने यहाँ पे जो एक सेंटर में ऑप्शन है ऑल, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आज तक आपने जितने भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज़ की होंगी ये आपको यहाँ पे शो करवा देगा। आपने अगर 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले जितने भी एप्लीकेशन आपने यूज़ की हुई है तो ये सब आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो उनमें से अगर आप कोई भूल चुके हैं या आप चाहते हैं उनको दोबारा डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, तो जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एप्लीकेशन का बैकअप बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहां पे जो भी आपकी एप्लीकेशन होती हैं वो यहां पे आपको शो कर देता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको वही ईमेल यूज़ करना पड़ेगी जो कि आपके पुराने फ़ोन में थी या जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है, तो उसी में ये सब कुछ होगा। तो इसमें होता कुछ यूँ है कि हम जब बैकअप बनाते हैं तो वो जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो सारी डाउनलोड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सेटिंग्स की मदद से हमें जो जो चाहिए होती हैं, जो काम की चीज़ें होती हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं और जो हमें नहीं चाहिए होती वो उन्हें हम नहीं करते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस सेटिंग से आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग से हम जानेंगे कि हमारे जो मोबाइल में जो बैकग्राउंड डेटा चल रहा होता है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा आप जब भी कोई एप्लीकेशन है उसको यूज़ करते हैं, जब आप उसको क्लोज नहीं करते, आप खाली होम का बटन प्रेस करके आप वापस आ जाते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसी सेटिंग्स हो जिस पे आप क्लिक करके वो खुद ही उसको बंद कर दे? तो चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने जो मोबाइल की सेटिंग्स है उसमें जाएं। मोबाइल की सेटिंग्स को जाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट डिवाइस, उसके ऊपर एक ऑप्शन होगा डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास ये डेवलपर ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो डेवलपर ऑप्शन को शो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑप्शन है अबाउट डिवाइस पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 7 दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे 7 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। तो दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा डू नॉट कीप एक्टिविटीज, तो आपने इसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों, ये ऑन करने से आपका जितना भी बैकग्राउंड में डेटा चल रहा होगा ये खुद ही उसको बंद कर देगा। इससे क्या होगा, आपका जो इंटरनेट डेटा है वो भी ज़ाया होने से बच जाएगा और आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।